हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे नाम मुकेश और आज मैं बात करने वाला हूँ 2024 हुंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो स्पॉटेड हो गई है। फिर हाल ही में किया सेल्टोस अपना एक फेसलिफ्ट वेरिएंट लेके आने वाली है, इसलिए फिर हुंडई ब्रांड भी अपनी जो कि एक राइवल देखने को मिलती है, इसलिए क्रेटा का जल्दी फेसलिफ्ट वेरिएंट जो है वो लेके आने वाली है। एंड इसके लॉन्च डेट से पहले फ्रेंड ये स्पॉटेड हो गई है, जिसके अंदर हमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रेंड ये हमें फुली कैमोफ्लेज के साथ जो है वो स्पॉटेड हुई है। इसलिए मैं बात करने वाला हूँ कि जो छोटी बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन या फिर जो डिटेल्स देखने को मिलती है, जो कि हमें न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात की जाए फ्रेंड इसके डिज़ाइन के बारे में, तो फ्रेंड ये हमें यानी कि जो हुंडई की हमें टक्सन देखने को मिलती है, उसी से हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड देखने को मिलेगी, बिकॉज उसका जो फ्रंट फेशिया है जो कि हमें हुंडई की जो ऑलरेडी डिज़ाइन लैंग्वेज है उसी के साथ जो है हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से हमें हुंडई की जो टक्सन का फ्रंट फेशिया देखने को मिलता है, सिमिलर अब से हमें हुंडई क्रेटा के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें जो एलोवेज देखने को मिलते हैं, जो कि हमें 18 इंच के देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड ये जो एलोवेज देखने को मिलते हैं, जो कि हमें हुंडई के अलेक्जर में भी देखने को मिलते हैं, बट अब से हमें हुंडई क्रेटा के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें फ्रंट फेशिया में हमें रीडिजाइन फ्रंट बम्पर, ग्रिल, हेडलैम्प एंड जो LED DRL है वो भी देखने को मिलेगी। एंड ये हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ एंड इसके अंदर हमें जो हुंडई का हमें स्मार्ट सेंस एडा सूट है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक हमें हुंडई की वरना एंड टक्सन में देखने को मिलता है। एंड बात की जाए फ्रेंड इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि हमें रीडिजाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें न्यू LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलती है, जो कि हमें कनेक्टेड टाइप डिज़ाइन के साथ यानी LED लाइट बार के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमें हुंडई वेन्यू देखने को मिलती है उसी के जैसे जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड बात की जाए फ्रेंड इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो फिर इंटीरियर जो कि हमें अपडेटेड देखने को मिलेगा, बट फर्स्ट टाइम यह हमें एक्सटीरियर के साथ ही जो है वो स्पॉटेड हुए हैं। एंड जो पावर ट्रेन या फिर जो इंजन ऑप्शन है, जो कि हमें सेम ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इस कार के बारे में नए फीचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वही देखने को मिलते हैं। फिर और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एंड इसी तरह से अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।